दोस्तों सबसे पहले हमें इनकम टैक्स का ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम टैक्स ई फाइलिंग है उसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको। क्विक लिंक वाला जो ऑप्शन है उसमें थर्ड वाला ऑप्शन है लिंक आधार, उसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे NRI लोग है, नॉट ए इंडियन सिटीजन है, 80 साल के ऊपर वाले हैं, उसको आसाम मेघालय वगैरह ये सब है, उनको पान कार्ड आधार कार्ड की लिंक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पान कार्ड नंबर डाल देता हूँ आपको। यहाँ पे ऊपर पान कार्ड और नीचे आधार कार्ड नंबर डाल देना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और आधार नंबर डाल के आपको सिंपल वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे राइट साइड पे सिंपल वैलिडेट पे मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पान, मतलब 1000 रुपये हमें पेनल्टी भरना है, आप पता है 1000 रुपये भरना है। कंटिन्यू टू पे तो ई पे टैक्स, मतलब हम ई पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कंटिन्यू हमने कर दिया। फिर यहाँ पे नया इंटरफेस ओपन हो गया है, इसके अंदर क्या पान नंबर डालना है, यहाँ पे भी पान नंबर डालना है, नीचे मोबाइल नंबर डालना है। मैं तीनों चीज डाल देता हूँ, आप भी डाल दीजिए, दोनों में पान नंबर और नीचे मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद, आप मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, कुछ नहीं करना है। ओटीपी सिंपल मोबाइल पे जो आता है वो यहाँ पे डाल देना है, मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। फिर इसके अंदर सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाई मोबाइल ओटीपी। ठीक है, मोबाइल ओटीपी हमारा वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे आपका पान नंबर और नाम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट डिजिट शो कर रहा है, देखो आप मैच कर ले आपका ही है। ठीक है, बराबर, फिर कंटिन्यू करना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने प्रोसेस होगा और एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इनकम टैक्स, फिर STT और तीसरा वाला आधार पेमेंट। कुछ नहीं करना है, हमें पहले वाले ऑप्शन पे प्रोसीड कर देना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। पहले वाले ऑप्शन पे प्रोसीड करोगे तो न्यू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर में करंट ईयर लेना है 23-24, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट, यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स है, दूसरा है अदर रिसिप्ट। आप देखिए ध्यान से, अदर रिसिप्ट 500 जो उसका कोड है उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कंटिन्यू वाला बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 1000 रुपये ऑटोमेटिक आ गए हैं, आपको कुछ डालना नहीं है, 1000 रुपये आ गए हैं। फिर सिंपल हमें कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। जैसे हम कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट गेटवे दिया गया है अलग अलग बैंकों का, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, फिर पेड बैंक काउंटर है। अगर आपको चलन जनरेट करके बैंक के अंदर पैसा भरने जाना है तो भी कर सकते हो, RTGS NEFT करना तो भी कर सकते हो। पेमेंट गेटवे यहाँ पे है अलग अलग, यहाँ पे कोटक महिंद्रा का बैंक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा आ गया है, क्या है क्या नहीं है ये पूरा आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे 1000 रुपये पेमेंट वगैरह है। पे नाउ पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे हम पे नाउ करेंगे यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन आप है हमें मंजूर है, करना तो पड़ेगा। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, सबमिट टू बैंक, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आप देखो मोबाइल नंबर है, स्किप फॉर दिस स्टेप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत सारे ऑप्शन दिया है, जैसे डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, QR है। आप अपना QR कोड जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे QR जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैक सिलेक्ट QR, UPI का QR मैंने मानो के सिलेक्ट किया, मैक पेमेंट करूँगा तो QR कोड जनरेट हो जाएगा, अभी बैक हो जाता हूँ। अगर UPI, आप अपना UPI ID डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। और आपको डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से मेरा पेमेंट करने वाला हूँ, इसलिए मैं डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड, आप अपना डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दीजिए। मैक पेमेंट के ऊपर प्रोसीड करना है। मैक पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही प्रोसेस होगा तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, आप यहाँ पे OTP एंटर कर दीजिए। मैं यहाँ पे OTP एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आप कंफर्म OTP पे क्लिक कीजिए। जैसे हम कंफर्म OTP पे क्लिक करते हैं तो प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको टच वगैरह कुछ करना नहीं है, दबाना नहीं है, क्योंकि खाली पीली पेमेंट हो रहा है तो लोचा होगा तो फिर आपको फिर कंप्लेन करनी पड़ेगी कि भाई मेरा पैसा डेबिट हो गया और मेरा कुछ हुआ नहीं। इसलिए ये स्टेज पे आपको खास ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, ये प्रोसेस होने देना है बिल्कुल शांत। ये देखो प्रोसेस हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। ये थर्ड स्टेप हमारा, तीनों ग्रीन आ गए तो चलन पेमेंट इज सक्सेसफुल, मतलब हमारा पेमेंट हो गया है। आप देख सकते हो मेरा नाम नंबर सब आ गया है, 1000 पेमेंट की रिसिप्ट भी आ गई है, यह बैंक का रेफरेंस नंबर भी आ गया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो पेमेंट रिसिप्ट।
तो देखो दोस्तों, ये 1000 रुपये पेमेंट हो गया है और इनकम टैक्स की तरफ से आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। अभी क्या करना है, पेमेंट सक्सेसफुल होगा 4 से 5 दिन लगेगा, उसके बाद आपको फिर से उसमें जाना है लिंक आधार, उसमें पान आधार सेलेक्ट करके आपका आधार के हिसाब से नाम डाल देना है और ओके कर देना है, तो आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो जय हिंद जय भारत।